देखिए अलकायदा के नए चीफ सैफ अल आदेल की लोकेशन पेंटागन को मिल गई है। बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक सैफ अल आदेल इस वक्त ईरान में मौजूद है। सैफ अल आदेल पर अमेरिका ने 82 करोड़ का इनाम रखा है। आपको बता दें कि अमेरिकी स्ट्राइक में अल जवाहिरी की मौत के बाद सैफ अल आदेल को अलकायदा का नया चीफ चुना गया था और उसके बाद से ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियां सैफ अल आदेल की तलाश में लगी हुई थी, उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी हुई थी। और अब बड़ा अपडेट ये कि पेंटागन को उसकी लोकेशन मिल गई है और पेंटागन के मुताबिक सैफ अल आदेल इस वक्त ईरान में मौजूद है। बड़ा अपडेट, बड़ी उपलब्धि है अमेरिका के लिए जिस तरह से ये जानकारी पेंटागन को मिली है, क्योंकि लगातार अमेरिका अलकायदा से जुड़े हुए पदाधिकारियों पर पैनी नजर रखता है। ओसामा बिन लादेन के बाद से ही और उसके बाद अल जवाहिरी को अलकायदा का चीफ बनाया गया था, जिस पर लगातार नजर रखी जा रही थी और बाद में एयर स्ट्राइक के जरिए उसको मार गिराया गया। और अल जवाहिरी के बाद सैफ अल आदेल को चीफ बनाया गया और अब उसकी लोकेशन भी पेंटागन के हाथ लग गई है।